हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 16th दिसंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून। सो आज का हमारा पहला न्यूज होगा वो वयोमित्रा से रिलेटेड। एंड रिसेंटली जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली अनाउंस दैट इंडिया इज सेट टू लॉन्च वयोमित्रा। एंड वयोमित्रा बेसिकली ये एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट्स है। एंड दिस फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंट इनटू स्पेस एज पार्ट ऑफ द एम्बिशियस गगनयान प्रोजेक्ट। तो हमारा जो गगनयान मिशन जो लॉन्च होने वाला है उसके संग, मतलब हमारे एस्ट्रोनॉट के संग, इनको भी, ये वयोमित्रा को भी भेजा जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मतलब होता है इनके पैर नहीं होंगे, इट विल बी स्टेबल सिस्टम, हाउएवर इट कैन बेंड अप एंड डाउन। ठीक है, तो बेंड हो सकती है एंड इट विल हेल्प इन असिस्टिंग द दिस एस्ट्रोनॉट्स। तो आप समझ सकते हैं कि दिस बेसिकली वयोमित्रा इज गोइंग टू हेल्प आवर एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेसियम मून मिशन, या मींस मैन मिशन। थोड़ा इसके बारे में समझा जाए तो वयोमित्रा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड, दैट इज वयो स्पेस एंड मित्रा फ्रेंड। एंड इट इज अ फीमेल रोबोट डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द इसरो टू फ्लाई अबोर्ड अनमैन्ड टेस्ट मिशंस अहेड ऑफ द गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो टेस्ट अगर होगा तो टेस्ट मिशन में भी इनको इसको भेजा जाएगा। And it is referred to as half humanoid robot as she doesn't have legs, however she can bend forward and sideward, matlab forward or sideward move kar sakti hai. Aur beside going on uncrewed Gaganyaan mission, she will accompany astronauts on the manned missions too, karenge to ye manned mission mein bhi ye help karenge. Next agar dekha jaye Gaganyaan mission ke bare mein, to under the Gaganyaan mission ISRO will sending three human ko bheja jayega to an orbit of around 400 kilometers for a 3-day mission and bring them back safely to the अर्थ। 3 दिन का ये मिशन होगा, लगभग 400 किलोमीटर अबव द अर्थ। एंड लॉन्च व्हीकल ऑब्वियस बात है Mark 3 LBM 3 GSLV Mark 3 रॉकेट होगा। एंड वेल प्रूवन एंड रिलायबल हेवी लिफ्ट लॉन्चर ऑफ इसरो एंड इट इज आइडेंटिफाइड एज द लॉन्च व्हीकल फॉर द गगनयान मिशंस। थर्ड जो है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश इन बेंगलुरु प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स प्रिपेयरिंग फॉर द गगनयान मिशन। तो उन तीनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है वो बेंगलुरु में चल रही है रिसेंटली। So that is regarding the Gaganyaan missions. चलिए अपने अगले न्यूज से बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है आर्टिकल 370 से रिलेटेड है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लीगल ठहराया है और गवर्नमेंट के एक्शन को उन्होंने करेक्ट कहा है। So, hence, after 4 years of the abrogation of Article 370, the Supreme Court unanimously upheld the actions taken by the Union Government on 5th August 2019. So, 5th August 2019 ko jo decision liya gaya tha to abrogate Article 370, that was upheld by the Supreme Court. And jaisi ye upheldion hoti hai, jaisi ye matlab agar Supreme Court ye confirm karta hai, now there can be a roadways, the roadways will be cleared to remove Article 370 from our constitutions. तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसको हटा दिया जाए, as it was a temporary provisions in our constitutions. समझते हैं थोड़ा next article इससे related. Recent judgment क्या था पहले वो समझ लेते हैं। तो judgment ये था कि जम्मू एंड कश्मीर did not possess sovereignty, पहले तो ही Supreme Court ने बोला sovereignty नहीं है, क्योंकि sovereignty obvious सी बात है सिर्फ इंडिया की sovereignty होती है, किसी state की sovereignty नहीं है यहाँ। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो ए पार्ट एंड इट इज ऑल्सो स्टेट, मीन्स अभी तो फिलहाल यूनियन टेरिटरीज है, बट फिलहाल ये एक हमारा रीजन पड़ता है इंडिया के अंदर में। सो एनी यूनिट कांट हैव ए सोवरेनिटी, सोवरेनिटी इज ओनली फॉर द इंडिया। एंड आर्टिकल 370 इज ए टेम्पररी प्रोविजन, पहला ये। एंड थर्ड, President has the power to make irreversible changes including the dissolutions of the state assembly and that the president पावर आर केप्ट इन चेक बाय द जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी। तो प्रेसिडेंट का जो पावर है जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी रहती है, बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K स्टैंड्स इनऑपरेटिव। नेक्स्ट, सेट अप ए ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन टू एड्रेस ह्यूमन राइट। ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है हम एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन रखेंगे, जो कि जहां पर अगर J&K में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हुआ उसको देखने के लिए। तो दैट वाज ऑल इन द रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर थोड़ा सा इसको समझा जाए और डिटेल में, तो आपको मालूम होगा कि 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था हमारे J&K का। एंड फिर उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत आर्टिकल 370 को दिया गया था स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नो लॉन्गर एक्सिस्टेड सिंस 1957, उसको हटा दिया गया था।
एंड उसके बाद गवर्नर रूल्स वाज इंपोज्ड इन जेएनके इन 18th June 2018. अभी रिसेंट का बीच का छोड़ दिया जाए तो रिसेंट में 2018 में गवर्नर रूल लगा दिया गया था. एंड इन दैट प्रोविजंस प्रेजिडेंट रूल वाज इंपोज्ड ऑन जेएनके एंड वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 months. आफ्टर दैट प्रेजिडेंट रूल के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जेएनके ऑर्डर 1954 अमेंडेड ऑन 5th August 2019. तो जो ऑर्डर था आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 उसको अमेंड किया गया. मींस द अमेंडमेंट वाज स्पेसिफिकली ऑन दिस ऑर्डर ऑन 5th August 2019. एंड जैसी ये अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 367 वाज आल्सो अमेंडेड टू ऐड अ न्यू क्लॉज 4 मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. तो ये भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 367 को भी थोड़े बहुत अमेंड किया गया था उसके क्लॉज 4 के अंदर में ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन जेएनके में क्लियर हो जाए. उसके बाद आफ्टर द प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 इशूड ऑन August 6, 2019 एंड लास्ट आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड एंड द सब्सिक्वेंट जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाइफर्केटेड जेएनके इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. तो इसमें जेएनके को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केट कर दिया गया एक लेह एंड लद्दाख एंड दूसरा जम्मू एंड कश्मीर. दिस वाज द प्रोविजंस रिगार्डिंग द दिस होल स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएनके. होप आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एक बार हो सके तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो इसमें 2-3 चीजें जानने वाली है ठीक है. तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 367 क्लॉज 4 उसको अमेंड किया गया था एंड देन आर्टिकल 370 क्लॉज 3 उसको भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन दिया गया था एंड लास्ट आर्टिकल 370 हैज बीन रिवोक्ड. इस ऑर्डर को भी थोड़ा ध्यान रखेगा. यू माइट गेट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वन द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 और जिसको अमेंड किया गया था 5th August 2019 को. सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग दिस प्रोविजंस. थोड़ा और अगर समझा जाए तो आर्टिकल 370 को रिवोक करने का पहले और उसके बाद अभी क्या क्या प्रोविजंस है. तो पहले वाला प्रोविजन ये था कि स्पेशल पावर एक्सरसाइज बाय जेएनके जबकि अभी है कोई स्पेशल पावर नहीं है. यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप था जेएनके वाले जेएनके के लोगों को. हाउएवर अभी ये सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन वहां भी इन्फोर्स हो गया. सेपरेट फ्लैग फॉर जम्मू एंड कश्मीर अब वैसा कुछ नहीं है. ओनली ट्राई फ्लैग विल बी ऑल ओवर इंडिया. आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कैनॉट बी एप्लीकेबल नाउ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन जेएनके. No reservation for minorities such as Hindu and Sikh. Minorities will be eligible for 16% reservations वहाँ पर. Indian citizen from other states cannot buy land and property in JNK. People from other states will now be able to purchase land on or property in JNK. RTI not applicable. Now RTI will be applicable here. Duration of legislative assembly for 6 years. However, assembly durations in Indian territories of JNK will be for 5 years. मतलब जो all over India का provision है वहाँ पर भी implement हो गया. And if a woman from JNK marries out of state, she would lose the citizenship of the state. However, if a woman marries out of the state or country, she will still remains all her rights and Indian citizenship. ये सब उनके अंदर वहाँ पर रहेगा. Panchayats did not have any rights. However, panchayat will have the same right as in the other states. Other states में जो भी rights है, वो वहाँ भी available रहेगा. Last two provisions here, right to education was not applicable. However, children in the state will be benefited from the right to education. Getting it? So these are the provisions before and after removing Article 370. ठीक है? So that is regarding Article 370. Hope आपको समझ में आया होगा. Next आते हैं हम लोग norovirus से related. Recently UK has been witnessing a steady increase in the number of norovirus cases in recent weeks. ठीक है? क्या है? थोड़ा समझ लेते हैं. Norovirus के बारे में अगर बोला जाए, it is a very contagious virus that causes nausea, vomiting and diarrhea. और it is also sometimes referred to as the stomach flu. और द विंटर वॉमिटिंग बग याद रख लीजिएगा इसको. हाइपर नोरोवायरस इलनेस इज नॉट रिलेटेड टू द फ्लू विच इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस. तो ये फ्लू से रिलेटेड नहीं है डिजीज ठीक है. एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन गेट अफेक्टेड एंड सिक विद नोरोवायरस एंड पीपल कैन गेट द नोरोवायरस इलनेस मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ बिकॉज देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोरोवायरस. इन्फेक्शन विद वन टाइप और नोरोवायरस मे नॉट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर टाइप्स. तो आप समझ लीजिए हर एक जो टाइप्स है उसके अलग अलग प्रोविजन. तो अलग अलग प्रोविजन से भी आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत. एंड ट्रांसमिशन अगर बोला जाए पीपल कैन कैच नोरोवायरस फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट. एक तो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है ट्रांसमिशन विद समवन विद नोरोवायरस. टचिंग सर्फेसेज और ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द वायरस ऑन देम देन टचिंग द माउथ एंड ईटिंग फूड दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड और हैंडल्ड बाय समवन विद नोरोवायरस. तो दीज आर द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस वन. नेक्स्ट मोड्स ऑफ इन्फेक्शन ये आपको दिख रहा होगा. फेशियल रूट्स, फिकल रूट्स, ओरल रूट्स, caring for sick patients and also shaking hand while जो होता है उससे भी transmit हो सकता है. changing diapers वगैरह उससे भी होता है and contaminated foods वगैरह that is also the modes of transmission of the norovirus.
So that is regarding the norovirus infections. So that's all for today in our daily news analysis. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. As well as we have also started our UPSC and APSC foundation batch for 2024. So if you are preparing for UPSC Civil Services or any other state PCS, you can contact us in this given number, or you can visit our branches in all those cities. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel for such other video contents.